नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। मैं अभी हूं चतरा जिले के इटखोरी में। इटखोरी में सभी व्यापारियों ने अपने अपने दुकानें, यहां तक कि सारे छोटे दुकानदार, सब्जी दुकानदार हैं वो भी दुकानदार बंद कर चुके हैं दुकान को। इटखोरी में एक भी दुकान खुला हुआ नहीं है, इसकी जानकारी आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुकान आखिर बंद क्यों हुआ है, ये जानेंगे यहाँ के व्यापारियों से कि आखिर वो दुकान इस तरह से बंद करके यहाँ धरना पे क्यों आए हुए हैं। भैया, इसका कारण क्या है, बंद सारी दुकान? झारखंड सरकार जो बाजार समिति ग्रुप में 2% टैक्स लगा रही है, उसके वो समर्थन में हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन में अपनी अपनी दुकान स्वतः बंद किए हैं। यानी इनका साफ तौर से कहना है कि झारखंड सरकार जो व्यापारियों पे 2% जो लगा रही है, जब इन लोगों पे, वो इन लोगों नहीं चाहते कि वो 2% लगे इन पर, और आगे जानते हैं कुछ लोगों से और कि बंद करने से पहले वो अगर इस तरह बंद करते हैं तो झारखंड सरकार से मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या कर रहे हैं? मांग 1-2% कम करे, सरकार छोड़ दे। मतलब आप लोग बाजार समिति लागू नहीं हो, बाजार समिति लागू ना हो, जो 2% इन पे लगाया जा रहा है वो ना लगे, इनका साफ तौर से कहना है। और जानेंगे कुछ लोगों से कि सरकार काम किस तरह कर रही है, झारखंड सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो अपनी जो नीति 2% का लगाए गलत नीति है और इस पर सरकार जो है आम पब्लिक पर बोझ दबाव जो है डाल रही है। आज हम लोग जो सामान 10 रुपए में बेच रहे हैं, कल वो 12 रुपए में बिकेगा और आम पब्लिक पर बोझ पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज बंद का समर्थन किए हैं और ये समर्थन हम लोग के चतरा जिले से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कमेटी की ओर से बंद बुलाया गया है। हम लोग बंद का समर्थन किया और आज व्यापार बंद रहेगा। व्यापारियों का साफ तौर से कहना है कि अगर कर बढ़ता है, परसेंट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं गरीबों पर ये पड़ेगा। गरीबों पर जब पड़ेगा तो सब्जी की रेट महंगी होगी, हर सामान की रेट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इनमें गरीब पीस कर रह जाएंगे। झारखंड सरकार का इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर झारखंड सरकार उसे कम नहीं करती है तब तक ये आंदोलन करेंगे और अपने अपने अनिश्चितकालीन बंदी कर देंगे। और किस लोगों से जानेंगे कि ये कहाँ तक सही है, गरीबों के लिए सही है? भैया, ये बिल्कुल गलत है गरीबों के लिए। ये जो सरकार टैक्स बढ़ा दिए 2%, जिससे आम जनता पर ये बोझ पड़ेगा, इसके हित में हम लोग पूरा व्यापार मिलकर दुकान बंद कर रहे हैं। कब तक ये बंद रहेगा? अभी तो कुछ कहा ना जा सकता है, इसकी रणनीति तय होगी आगे, उसके बाद कुछ कहा जाएगा। कहीं ना कहीं सभी दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है और आक्रोश होना भी सही है, क्योंकि अगर ये इस तरह से अगर बढ़ते जाएगा, परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता से यहाँ पे गरीब लोग पिसकर इसमें रह जाएंगे। बड़े लोगों को तो असर नहीं पड़ता है, लेकिन आम जन जो गरीब जन होते हैं उन पर खास करके इसका असर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इटखोरी बाजार, ये इटखोरी बाजार है और यहाँ पे सारी दुकानें आपको बंद नजर आ रही होगी। इसका साफ तौर से कारण झारखंड सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो वो व्यापार समिति में 2% बढ़ा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए, कम किया जाए। अगर ये कम नहीं होता है तो इसी तरह से दुकानदार आंदोलन करते रहेंगे और अपने धरना प्रदर्शन को बढ़ाएंगे, और ये धरना प्रदर्शन अगर बढ़ता है तो पूरे झारखंड के लिए एक आंदोलन के रूप में ये निखर कर आएगा और गरीब अगर इस पर पिसते जाएंगे तो झारखंड सरकार से यही अनुरोध है कि वो जो इसके बारे में सोचे। और कुछ लोगों से जानेंगे कि ये कहां तक चलेगा, ये जो अभी लगा है, ये अभी 2% व्यापार समिति पे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं कि जो 2% टैक्स लगाई है उसे वापस ले, नहीं तो अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये यहाँ पे कब से आप लोगों ने दुकान बंद किया है? आज सुबह से। सुबह से बंद है। कितने समर्थन है आपके? हमारे 1,000 समर्थन यहाँ पर है। यहाँ की इनका कहना साफ तौर से है, ये भी व्यापार से हैं, ये इन्होंने कहा कि जब तक सरकार नहीं मानेगी प्रदर्शन पे बैठेंगे और सारी दुकानें बंद रहेगी। जितने भी दुकानदार हैं, फल के, सब्जियों के, जितने भी दुकान मंडी में है वो सारे बंद रहेंगे। ये आंदोलन आज इटखोरी में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने भीड़ यहाँ पे है, आप देख सकते हैं जितने भी व्यापारी हैं वो अपने अपने दुकानें यहाँ पे बंद किए हुए हैं। आप कैमरा को चारों तरफ घुमाएं और दिखाएं कि जितने भी व्यापारी हैं वो बंद कर धरना पे बैठे हुए हैं कि व्यापार समिति पे जो 2% का कर लगाया गया है उसे झारखंड सरकार वापस ले, नहीं तो एक नया आंदोलन झारखंड में होगा और इस पर सरकार पर बुरा असर पड़ेगा। ये साफ तौर से कहना है झारखंड सरकार का। ये नया कदम व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा कदम बनकर आया है सामने, तो मैं यही कहूंगा झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से, कि आप इसके बारे में जल्दी से विचार करें। और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज़। धन्यवाद।